अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको माई क्रिप्टो वर्ल्ड पर खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपके साथ जो है वो लेटेस्ट एयरड्रॉप की अपडेट और मार्केट की अपडेट जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। कल जैसे ही न्यूज़ आई कि बिटकॉइन और एथेरियम का स्पॉट ETF हांगकांग गवर्नमेंट यानी चाइना ने जो है वो अप्रूव कर दिया, उसके बाद जी मार्केट ने पम्प किया और अभी अगेन मार्केट जो है वो डंप कर रही है। इसकी रीज़न क्या है ये आपके साथ शेयर की जाएगी। क्या मार्केट यहाँ से मज़ीद क्रश कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको भी ये बता दें, इससे पहले ये वाली जो न्यूज़ वाली वीडियो है मैं अपने नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता था, बट वहाँ पर लोग कहते थे कि ये एड्रो वाला चैनल है, आप यहाँ पर अपलोड ना करें। तो इसलिए अभी जो मेरा चैनल है जी माई क्रिप्टो वर्ल्ड, इस पर जी डेली ये एड्रोप के रिलेटेड और क्रिप्टो न्यूज़ और मार्केट का जो एनालिसिस वीडियो होगी वो आपको जो है वो इसी चैनल पर मिलेगी। और ये वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया करूँगा। तो यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया, जैसे ही न्यूज़ आई कि हांगकांग ने स्पॉट बिटकॉइन और एथेरियम ETF अप्रूव कर दिया, मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। तो टेलीग्राम चैनल में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको जितनी भी न्यूज़ होती हैं फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट की और एयरड्रॉप की, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मिलती रहती है। तो इसको ज्वाइन करना फ्री है, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बढ़ते हैं जी क्रिप्टो मार्केट की तरफ, और सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिटकॉइन की हालविंग का इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं कि 4 डेज जो है वो बाकी है बिटकॉइन की हालविंग होने में, जो इसके रिमेनिंग ब्लॉक रहते हैं जो माइन होना है, और बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड है उसको कट लग जाएगा। अभी 6.25 बिटकॉइन मिलता है पर ब्लॉक, तो जैसे ही ये हालविंग इवेंट होगा तो उसके बाद 3.12 ब्लॉक जो है वो मिलेगा। तो हालविंग जो है वो हर 4 साल बाद होती है और ये क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी बिग इवेंट होता है। तो हर साल हर 4 साल के बाद हमने देखा है कि मार्केट में एक बड़ा बुल रन जो है वो आता है, तो इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे कि मार्केट में एक बड़ा बुल रन जो है वो आए। दोस्तों कल जैसे ही जो है वो हांगकांग गवर्नमेंट यानी चाइना ने जो है वो बिटकॉइन का और एथेरियम का स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव किया है, तो उसके साथ जी हमें मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आई और मार्केट जो है वो आई थिंक 66,000 से अबव हमें ट्रेड करती हुई नज़र आई। उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे जो है वो डंप लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो यहाँ पर ETF अप्रूव हुआ है ना, उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं कितना मार्केट में जो है वो पैसा फ्लो कर सकता है। तो अभी जो US ने ETF अप्रूव किया है, तो US के पास जी 8 लाख BTC जो ETF होल्डर कंपनी है उनके पास जो है मौजूद है। तो अभी हांगकांग ने में बिटकॉइन और एथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव किया, तो इसकी जो डिमांड है वो 25 बिलियन जो है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है वो फ़्लो होगा मार्केट में। तो इसकी प्राइस भी हम लॉन्ग टर्म देखें, बिटकॉइन और एथेरियम की प्राइस मुझे जो है वो काफ़ी बुलिश जो है वो नज़र आ रही है। सो अभी बढ़ते हैं जी मार्केट में, फिर ये क्रश क्यों आया जब इतनी अच्छी न्यूज़ थी। ये जो क्रश आया इसके पीछे ये न्यूज़ है जी ग्रे स्केल की। ग्रे स्केल ने तकरीबन 4,300 BTC जो है जो तकरीबन $285 मिलियन का बढ़ रहा है वो ट्रांसफ़र किया है कॉइन बेस में इसको सेल करने के लिए। इस न्यूज़ के बाद जी यहाँ पर मार्केट में पैनिक फैला और मार्केट हमें जो है मज़ीद क्रश करती हुई नज़र आ रही है। एक तो इसके पीछे ये न्यूज़ है और इसके पीछे जो दूसरी न्यूज़ है वो वार की न्यूज़ है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि ईरान ने इसराइल पर अटैक किया और अभी जो है वो इसराइल के जो वज़ीरे आज़म है नेतन्याहू वो भी सोच रहे हैं कि हम इसराइल पर एक स्ट्राइक करें, बट अमेरिका ने इनको वॉर्न किया है कि आप ये चीज़ें ना करें, बट वो कर सकते हैं। अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो आपको मार्केट में एक बिग क्रश जो है वो नज़र आएगा और ये क्रश जो है वो ईरान से अटैक से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बाद ईरान फिर मज़ीद इन पर जो है वो अटैक करेगा। तो इस सूरत में ये जो स्पोर्ट है जो मैंने कल आपको बताई थी 54 से $50,000 तक, तो यहाँ पर हमें एक मार्केट क्रश करेगी। गो यहाँ पर ना भी है लेकिन हमें बड़ी सी विग यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर आपने ऑर्डर लगाने हैं तो आप इस रेंज में लगा सकते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर जो है वो ऑर्डर जो है वो लगाए हुए हैं। बाकी अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट जो है 64,000 बिटकॉइन पर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम 24 आवर्स में देखें तो कोर इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा पम्प कर रहा है। लास्ट 24 आवर्स में 61% इसने पम्प किया है,
इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो $2.26 पर जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर तो दोस्तों आपने मेरी कॉल पर इसमें एंट्री ली थी जो कि मैंने आपको बताई थी 1.41 पर प्रीवियस वीडियो में, तो इस वक्त जो है वो आप फिर अच्छे प्रॉफिट में जो है वो होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे आने के चांसेस जो है वो मौजूद है। तो अभी दोस्तों बढ़ते हैं एयर ड्रॉप की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जी मैसन नेटवर्क के बारे में आपको बता दूँ, तो यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं 2 से 5 डेज़ के अंदर, यानी 23 मार्च से 28 मार्च के दरमियान जो है ये अपना एयर ड्रॉप स्टेज 1 जो है उसका रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर तो आप जो है वो गागा नेटवर्क यानी मैसन नेटवर्क पर जो है वो इनके टोकन की माइनिंग कर रहे हैं, सो आपने क्या करना है जी, ये जितने भी टोकन आप माइन करें एक्सचेंज मैसन रिवॉर्ड टू टोकन, इस पर आपने आना है और यहाँ पर स्पोलिया टेस्टनल ईथर पे जाना है। तो इसको आपने यहाँ पर जी लाजमी जो है वो एक्सचेंज करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जो माइनिंग कर रहे हैं इसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड जो है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा और फिर आकर आपको इधर ये आपको क्लेम का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर वो करेंगे तभी जितने आपके MS टोकन होंगे या आपके मेटामास्क वॉलेट में चले जाएंगे रेशो जो है वो कन्वर्ट होकर, उसको बाद ही ये रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट जी आइस नेटवर्क के बारे में एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि आइस नेटवर्क का आपको पता ही है कि आइस नेटवर्क से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेट किया है मोबाइल पर माइनिंग करके। सो अभी इनका आई थिंक जो है वो अक्टूबर में जाकर जो है वो मेन नेट लॉन्च होना है, तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं टेस्टनेट के बारे में बता चुका हूँ। सो अभी गुड न्यूज़ है, अगेन ये आपको फ्री आइस टोकन मिलेंगे, तो इसकी इन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट की है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि हमने मोबाइल माइनिंग की, फर्स्ट वीक में हमने 1 मिलियन यूज़र गेट कर लिए, 9 मंथ में हमने 9 मिलियन यूज़र गेट किए 7 मंथ में, ये सारी डिटेल जो है बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक नूड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर ये नूड आप रन करेंगे जो कि आप एंड्रॉयड मोबाइल विंडो मैक सभी पर रन कर सकते हो, रन किस तरह करना है अभी उसकी उन्होंने डिटेल प्रोवाइड नहीं की, आने वाले वक्त में ये प्रोवाइड करेंगे। तो जो यूज़र इनका ये फोरेस्ट बाइट नूड जो है वो रन करेंगे उनको जो है वो आइस टोकन जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर जो है वो दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने आइस टोकन जो है वो होल्ड किए होंगे यहाँ पर देखो होल्डर को भी ये बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि जो वॉलेट एड्रेस आपने आइस माइनिंग ऐप के साथ कनेक्ट किया था उसके अंदर ही आपका आइस टोकन पड़ा है, आपने कहीं मूव नहीं किया, तो आपको यहाँ पर भी जो है वो बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बट मैंने तो सभी मूव कर लिया था, मैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बट ऑलरेडी मेरे पास जो है वो OKX पर पड़े हैं, लेकिन मैंने मूव कर लिया था उसको अपने मेटामास से OKX में, तो वो मुझे जो है फिर इसका एयरड्रॉप नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मूव किया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसी वॉलेट के अंदर रखा हुआ उसको मूव वगैरह नहीं किया तो आपको ये एयरड्रॉप मिल सकता है। बड़ी डिटेल से इन्होंने सारी चीज़ें जो है गाइड की हैं, जैसे इनकी नूड की रनिंग की डिटेल आएगी तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट जी बोंडेक्स के बारे में, बोंडेक्स माइनिंग प्रोजेक्ट मैंने अपने नमाज पे यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि KYC के अनाउंसमेंट ये बहुत जल्द जो है वो करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर, इस पर जो है वो आप नज़रें रखें और यहाँ मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपडेट आएगी मैं शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट अपडेट जी मैंने आपके साथ शेयर करनी है OpenX की। सो OpenX में का जो एयरड्रॉप सतोशी ऐप के अंदर है वो एंड हो गया है, सो अभी हमने इसका लेना है विड्रा, 27 अप्रैल विड्रा एड्रेस बाइंड करने की लास्ट डेट है। बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न बढ़ी है, बहुत से लोगों को ईमेल पर OTP नहीं आ रहा, तो उसकी यहाँ पर इन्होंने अपडेट दी है कि वो जो है वो काफ़ी जल्दी इशू जो है हम सोल्व कर देंगे। दूसरा एयरड्रॉप जो है वो ये जो एड्रेस आपने बाइंड करना है वो आप कौन सा करें, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि आप जो है OEX ऐप का एड्रेस जो है वो बाइंड करें, क्योंकि इनिशियली विड्रॉ हम आपको उसके अंदर जो है वो देने वाले हैं, बट अगर आपने मेटामास या कोई भी अनदर वॉलेट का एड्रेस दिया हो तो आप उसको OEX का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और उसमें जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आकर इसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने नमान स्पीक यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दी है, वो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्ले बॉक्स के बारे में अपडेट देनी है, प्ले बॉक्स का बहुत जल्द आपको एयरड्रॉप मिलने वाला है, 23 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग जो है बायबिट पर जो है वो होने वाली है। सो गाइस यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ इसकी उन्होंने लिस्टिंग प्राइस भी आई थिंक बताई है 0.075 USDT पर PBUX इसका जो टोकन है, तो यहाँ पर बायबिट के ऊपर भी
ये लॉन्चपैड पर आएगा तो वहाँ पर भी ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपने इनके कंपेन में पार्टिसिपेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इसकी एयरड्रॉप कंपेन भी चल रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें।